बीते दिन वीडियोकॉन लोन मामले में जांच एजेंसी ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप को लोन के बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी में वीडियोकॉन ने निवेश किया था। बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले के चलते सीबीआई ने बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि मार्च 2018 में चंदा कोचर पर अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे। चंदा कोचर उस समय कमेटी का हिस्सा रही जिसने 26 अगस्त 2009 को बैंक द्वारा वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर 2011 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 750 करोड़ रुपए देने की मंजूरी की थी। कमेटी का इस फैसले ने बैंक के रेगुलेशन और पॉलिसी का भी उल्लंघन किया था। बता दें कि मई 2020 में ईडी ने चंदा कोचर और उनके पति से करोड़ों रुपए के लोन और इससे जुड़े अन्य मामलों में पूछताछ की थी। ये लोन आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को 2009 और 11 में दिया था। चंदा कोचर उस समय बैंक की एमडी और सीईओ थी। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की जिसके बाद ईडी ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया। तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन के शेयर होल्डर अरविंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक और सेबी को एक पत्र लिखकर वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूर्त और आईसीआईसीआई की सीईओ व एमडी चंदा कोचर पर एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसमें दावा किया गया कि धूत की कंपनी वीडियोकॉन को आईसीआईसीआई बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया गया और बदले में धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की वैकल्पिक ऊर्जा कंपनी नू पावर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। आरोप है कि इस तरह चंदा कोचर ने अपने पति की कंपनी के लिए वेणुगोपाल धूत को लाभ पहुंचाया। साल 2018 में जब यह खुलासा हुआ तो उसके बाद चंदा कोचर को बैंक से इस्तीफा तक देना पड़ गया। बैंक ने शुरुआत में कोचर के खिलाफ मामले को आनन फानन में रफा धरने की कोशिश तो की, लेकिन बाद में लोग और नियामक के लगातार दबाव के कारण इस पूरे मामले की जांच के आदेश देने पड़े। आईसीआईसीआई बैंक ने स्वतंत्र जांच कराने का फैसला लिया। बैंक ने 30 मई 2018 को ऐलान किया था कि बोर्ड व्हिसल ब्लोअर के आरोपी की विस्तृत जांच करेगा। फिर इस मामले की स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी एन श्री कृष्णा को सौंपी गई। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जांच पूरी हुई और चंदा कोचर पर जो आरोप लगे वो सही पाए गए। साल 2020 के शुरू में ही ईडी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 78 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क कर ली थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।